الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته आप सबकी खैरियत के लिए हर लम्हा दुआगो हैं। होपफुली आपकी इबादत सौम सलात की तरह आपकी ईद भी खुदा की फरमाबरदारी और अताअत में गुजरी होगी इंशाअल्लाह। मफाहीमुल कुरान की इस क्लास में आप सबका खैर मकदम करते हैं। मफाहीमुल कुरान यानी कुरान की जबान समझना, इसकी ट्रांसलेशन करना। अगर हम कुरान के दोस्त बन जाएं तो ही आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीम को फॉलो कर सकते हैं और कुरान से दोस्ती तभी पॉसिबल है जब हम इसे समझें। हमारे ये लेक्चर्स इतने आसान डिज़ाइन किए गए हैं कि एक एवरेज 10 ईयर का बच्चा भी इसके ज़रिए कोर्स को कंप्लीट करके 80% तक कुरान के मानी और ख़ुद बग़ैर तर्जुमा किए समझ सकते हैं। तो चलिए खानम की तरफ चलते हैं और आज का लेसन सीखते हैं और लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद अ दुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सद्री वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। O Allah, please increase our knowledge and include us with the righteous, inshaAllah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Bismillah ta'ala. Koi bhi shakhs apne fahm o farasat mein Quran ko jab tak nahi la sakta, irfan jab tak hasil nahi kar sakta, जब तक वो कुरान का मुआरिफ ना बन जाए, कुरान का इरफान हासिल कर ले, जब तक खुदा के कौल की तस्दीक कर उसको समझने की कोशिश ना करे, इंसान किसी भी हद तक खुदा की मारफत हासिल नहीं कर सकता। तो अगर अपनी फहम और फरासत को कुरानी फहम बनाना चाहते हैं तो मफाहिमुल कुरान बेहतरीन जरिया है। पहले कुरान को समझना होगा, उसके बाद जाकर उसको इदराक करने की कोशिश करनी होगी। सबसे पहले आयात, आज जो आयात हमने शामिल की हैं वो कुरानी आयात का खुद हिस्सा भी रह चुकी हैं और खुद कुरानी आयात भी हैं, जो बेशतर मकामात पर कुरान में शामिल भी रह चुकी हैं। और इन दो आयात को फकत पढ़ने, तर्जुमा करने, प्रैक्टिस करने से आप कुरान की आयात के बहुत सारे हिस्सों का तर्जुमा भी कर सकते हैं। और ये दो आयतें खुद बहुत जगह कुरान में रिपीट की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन आयतिही अन खलकाकुम मिन तुराब। अगली आयत है वमिन आयतिही अन खलक लकुम मिन अन्फुसिकुम अज़्वाजा। सबसे पहले इनके फेमिलियर वर्ड्स देख लेते हैं, यानी वो लेटर्स, वो वर्ड्स जिनके मीनिंग हम पिछली क्लासेस में पता कर चुके हैं, जो इंतहाई आसान है। सबसे पहले लेटर है वा। वा मानी एंड और, ठीक है, ये लफ्ज को दो जुमलों को जोड़ने के काम आता है। और इसके बाद है मिन। मिन का मतलब है से, यानी
मिन आयाति ही आयात में से, तो अक्सर हम इसके अंदर में का भी इजाफा कर लेते हैं जब बहुत सारी चीजों की बात तो हो रही हो और ये मिन आ जाए तो हम इसमें में का इजाफा कर लेते हैं में से, यानी किसी चीज के डिफरेंट ऑप्शन के अंदर से ये एक ऑप्शन है, ठीक है। तो मिन मतलब एग्जैक्टली से है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम में लगा देते हैं, में से। आगे है आयात जो कि प्लूरल है, निशानियां जो हमें पहले मालूम है, और आया जो है निशानी सिंगुलर। अब जाएंगे हम अनफेमिलियर वर्ड्स पर। इन टू आयात्स में वो तमाम न्यू वर्ड्स जो हम नहीं जानते हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला लव्ज है अनफुस। अनफुस का मतलब होता है अपनी जान, नफ्स। हम अक्सर बेशतर आयात में कहते हैं, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है नफ्स। अच्छा, जो अनफुस है ना ये जमा है नुफूस, इसके उर्दू की मीनिंग है नुफूस, वरना इसकी जो अरबी सिंगुलर है वो नफ्स, जैसे कहते हैं ना कुल्लू नफ्सिन जाएकतुल मौत, हर नफ्स को, यानी वहां पे सिंगल सिंगल नफ्स को बताया कि हर एक नफ्स को, ठीक है, वो सिंगुलर है। यहाँ पे अनफुस आ जाता है तो ये प्लूरल है, यानी नुफूस जमा। रूह जाने, ठीक है। उसके बाद आता है अजवाज। अजवाज निकले जवज से, जवज जवजा कहते हैं ना, जौजैन यानी मियाँ बीवी के हुकूक, जौजा यानी बीवी। तो अजवाज के मतलब है शरीक हयात, जोड़े जो खुदावंद आलम ने बनाए हैं, पेयर्स, ठीक है, कपल्स जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद है तुराब। तुराब अबू तुराब, मट्टी के बाप, है ना, तो तुराब का मतलब मट्टी या खाक। आगे है ये लफ्ज खलाका। खलाका एक वर्ब है, किसी ने खल किया, और ये निशानदेही करता है किसी ही की, यानी कोई मुजक्कर है यानी मैस्कुलिन है। खलाका उसने बनाया, नंबर वन इज पेस्ट फॉर्म यानी माजी की पुरानी बात हो रही, नंबर टू इज ही यानी मैस्कुलिन है, खलाका उसने बनाया। अब यहाँ पे एक लेटर है, एक वर्ड जो मैंने शामिल किया खलका, इस दोनों में प्लीज फर्क देख लें आप। खलाका जो पहला है ये एक वर्ब है, इसका मतलब उसने बनाया, और जो सेकेंड है ये एक नाउन है, ये कह लें ये भी एक वर्ब है, मगर हम ये कहते हैं ना खल्क यानी खिलकत, ठीक है। अब हम कहते हैं मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की खलकत, ओके, तो यह है खल्क यानी खलकत, क्रिएशन, जिसे हम कहते हैं क्रिएशन, यह है खल्क खलकत। और जो आगे है खलाका, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है उसने बनाया, यानी वर्ब की बात है, एक्शन वर्ब। एक है एक्शन वर्ब यानी उसने बनाया है, और अनदर खल्क है जो नॉर्मल वर्ब होता है, नॉन एक्शन वर्ब जिसे कहते हैं, ठीक है। आगे है अन, बहुत इजी से वर्ड है, अन का मतलब है दैट, जिसे हम कहते हैं मैं आपको यही बताने वाला था, अन यानी के, वो बहुत अच्छी है, तो अन मतलब के, यानी जब बात का हम अगली बात का आगाज करते हैं। अब चलते हैं ट्रांसलेशन के बाद, इसका पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जो सब बहुत इंटरेस्ट लेके करते हैं। अब सबसे पहले वा, अब याद रहे, अब बहुत से मैंने टू वर्ड्स को एक साथ कर दिया क्योंकि नाउ यू आर ग्रोन अप, है ना, अब तो बड़े हो गए, अब आपको पता है कि टू टू वर्ड्स हम किस तरह से तोड़ते हैं। अब वा डिफरेंट लेटर है, मिन डिफरेंट लेटर है, लेकिन मैंने साथ लिख दिया वा मतलब और, मिन मतलब से, या उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो मे से, वा मिन और मे से। आ या ती ही, अब आप सबको मालूम है He is a different letter and Ayati is a different letter. Ayati means nishaniya. Ya alif zabar ya aya hai, iska matlab hai plural hai. Agar ya zabar ya hota, iska matlab singular nishani. Ya alif zabar ya, iska matlab nishaniya. Ayati nishaniya. Aur he matlab uska, uski, उसको, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आयाति ही यानी उसकी निशानियां, तो इसको आप अलग कर लीजिएगा, ये टू वर्ड्स हैं, उसकी निशानियां। अन मैंने पढ़ाया अभी, अन मतलब के यानी दैट, हम नेक्स्ट बात बता रहे हैं। खलका मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था, खलका मतलब उसने पैदा किया, ही क्रिएटेड, एक्शन वर्ब, ही क्रिएटेड उसने पैदा किया। कुम पिछले लेसन का हमारे लेटर रह चुका है, कुम मतलब तुम सब, ठीक है, तुम सब को या तुम सब, वैसे इसका मतलब है तुम सब, हम उर्दू की मीनिंग देने के लिए इसको
को बोल रहे हैं। आगे है मिन, आप सब जानते हैं से, इसके प्रॉपर मीनिंग है से, लेकिन हम मे से लिख देते हैं ताकि हम उर्दू को जबान के अंदर इसको ढाल सके। आगे है तुराब, तुराब मतलब अबू तुराब, मट्टी के बाबा, मट्टी और क्ले। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं तोड़कर, रीअरेंज करके। अगर हम इसका नॉर्मल तर्जुमा देखें आगे पीछे करके, और मे से उसकी आयात, उसकी निशानियां के उसने पैदा किया तुम सबको से मट्टी, ठीक है। अब आपको पता है ये मुझे अपनी लैंग्वेज में अब करना है, तो अपनी लैंग्वेज में कैसे रीअरेंज करेंगे? वमिन आयाति ही, और उसकी निशानियों में से, असल में क्या है से, लेकिन मैंने मे को ब्रैकेट में करने का मतलब है हमने अपनी उर्दू में डाल दिया, और उसकी निशानियों में से है भी नहीं है। आपको पता है आरामी में है हूं नहीं होता, ये मैंने अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए ऐसे चेंज किया। अब पहली पूरी लाइन ट्रांसलेशन क्या है अपनी, और उसकी निशानियों में से है के, उसकी निशानियों में से क्या है, उसने पैदा किया, खलाका के उसने पैदा किया तुम सबको, कुम खलाका उसने पैदा किया कुम तुम सबको, अब को मैंने लगा दिया अपनी जानिब से, तुम सबको मिन से तुराब मट्टी से, अब से मट्टी नहीं हो सकेगा, मट्टी से प्रॉपर ट्रांसलेशन क्या बनी, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम सबको, कुमारा है तुम सबको पैदा किया मट्टी से। इजी हो गया ना, अब आप खुद इसको पढ़ेंगे और एक बार ट्रांसलेट करेंगे। मैंने आया थी ही उसकी निशानियों में से है कि उसने पैदा किया तुम सबको मट्टी से। नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं क्विकली। नेक्स्ट आया बहुत इजी सी, आधा पार्ट हमें आता है। वमेन आप सब बताते जाएंगे, लिख के बताएंगे आप सब। वमेन मीनिंग 1 2 3 यस, और में से आयाती ही, कमेंट्स में लिख के बताएंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है निशानियां और उसकी निशानियां प्लूरल और उसकी। अन आपको पता है, पहले कमेंट्स में लिख के बताएंगे। अन मीन्स लास्ट वाली आयत में भी था, यस के खलका लास्ट वाली आयत में भी था। अब यहाँ पे मुझे बताएंगे खलका मतलब पैदा करना, खिलकत जो नॉन एक्शन वर्ब है, खिलकत यानी हम जैसे कहते हैं खाना खाना, ओके दिस इज अ नॉन एक्शन वर्ब। अब मैंने कहा खाना खाया, दिस इज एक्शन वर्ब, तो ये पैदा किया, उसने पैदा किया खलका। अब आगे बड़ा एक ट्विस्ट आ रहा है, अब आगे ल है। अब चाहे ना तो आप इसको अपनी स्क्रीन पे जरा जूम करके देख लें, मैंने वर्ड को ब्रेक किया हुआ है। ल ल के मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में मीनिंग बताए हैं यकीनन हतमन, लेकिन जब ये ल पजेसिव प्रोनाउन के साथ आएगा, और एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है कभी कभार, इस ल की मीनिंग है लिए, के लिए मीन्स फॉर, ठीक है। कभी कभार होता है लिल मोमिनिन, ली का मतलब भी ली होता है, लास्ट क्लास में हमने बताया था ली मतलब लिए होता है, इसी तरह से कभी कभार ल मतलब भी लिए होता है। तो यहाँ पर ला रहा है, यहाँ पर ला कुम के साथ आ रहा है, तो लकुम तुम्हारे लिए, और कुम का मतलब मैंने आपको बताया था प्लूरल यानी फॉर मैनी पीपल, तुम सब के लिए, लकुम मीन्स तुम सब के लिए। जहां भी लकुम आएगा इसका मतलब होगा ल मतलब लिए, कुम मतलब यू ऑल, प्लूरल यू ऑल तुम सब के लिए। मिन आपको पता है क्या है, से। यहाँ पर अनफुस जो हमने लास्ट टाइम अभी वर्ड पढ़ा था हम मेंशन भी कर देंगे, अनफुस मैंने बताया था जानो, तुम सबकी जानो ये नफूस, अनफुस यानी नफ्स यानी नफूस, और कुम मतलब तुम सबकी, अच्छी जो नफ्स है ये प्लूरल है याद रहे, तुम सबकी। कुम मैं बता चुकी हूँ पहले, अनफुस अलग वर्ड है नफ्स की जमा, और कुम मतलब तुम सब, दोबारा आ गया। अजवाजा यानी जोड़े, या कह लें अजवाज स्पाउसेस शरीके हयात। अब अगर हम इसकी टूटी फूटी मीनिंग करें तो क्या होगा, और में से है उसकी निशानियों के उसने पैदा किया तुम सबके लिए से तुम्हारी ही जानों से, या तुम ही के अंदर से तुम्हारी अजवाज। अब इसकी प्रॉपर मीनिंग कैसे होगी, और उसकी निशानियों में से है के खलका उसने पैदा किया लकुम तुम सब के लिए, ल के लिए तुम सब, लकुम तुम सब के लिए, लकुम तुम ही में से, मिन मतलब से, अनफुसी कुम आ गया ना, तुम सब तुम ही में से, कुम मतलब अनफुस
जान या नफूस कुम तुम्हारे ही नफूस, अनफूसी को मतलब तुम्हारे ही नफ से, तुम्हारी ही जान से, अजवाजा तुम्हारी अजवाज को, यानी खुदा वंदे आलम कह रहा है कि मैंने, कहते हैं ना कि हजरत आदम की पसली से जनाब हव्वा को खल किया गया और हर जोजा को उसी के यानी हस्बैंड के नफ से बनाया जाता है, तो ये उसी आयत का हवाला देके बात की जाती है कि उसकी खुदा की निशानियों में से है, खुदा ताला तमाम लोगों को कह रहा है कि उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम सबको पैदा किया तुम्हारे लिए तुम्हारी ही तुम्ही में से अजवाज, ठीक है, यानी उसी की निशानियों में से है कि उसने पैदा किया तुम सबके लिए तुम ही में से तुम्हारी अजवाज को। इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, कोशिश करें इसको खुद से मीनिंग करें, ट्रांसलेट करें, उसकी प्रैक्टिस करें, और फिर अगली लेसन में हम इसी जैसी तमाम आयात लेकर आएंगे जिसमें से दो का ट्रांसलेशन में, बाकी तीन की आप इंशाल्लाह खुद करेंगे। इंशाअल्लाह यकीनन आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक हमें कमेंट्स में देना नहीं भूलें और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @imamasrarakademy@gmail.com विद एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, सजेशंस और फीडबैक। एंड फॉर ऑल अनाउंसमेंट्स एंड अपडेट्स यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इमाम असर अकेडमीज फेसबुक पेज। इंशाअल्लाह आपको ये सारी डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगी। और कोशिश कीजिए कि अगर इस दर्स से आपने कुछ हासिल किया है तो इमाम असर एकेडमी की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इमाम असर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन क्लासेस को अपने प्यारों तक, फैमिली एंड फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि इस कार खैर में आपका भी हिस्सा हो और आप भी खुदा से अजर हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। लेट्स एंड आवर क्लास विद दुआ इमाम ज़माना एंड इंशाअल्लाह वी विल ऑल रीड टुगेदर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناز آ جائے سرحان مہدی دمِ ناز آ جائے سرحان نے مہدی